मतदान को लेकर प्रत्याशियों और उनकी समर्थित पार्टी ने पूरा दम झोंक दिया है। बात करते हैं सुल्तानपुर शहर की, तो बीजेपी पार्टी के प्रत्याशी को कांग्रेस प्रत्याशी वरुण मिश्रा से जूझना हो रहा है। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री को अपने पार्टी प्रत्याशी के समर्थन में सुल्तानपुर आकर जनसभा करनी पड़ी। इस विषय पे बातचीत के दरमियान वरुण मिश्रा ने बड़े ही सहज भाव से अपनी जीत व मुख्यमंत्री पीछे 20 से 25 साल या कह लो दशकों से भारतीय जनता पार्टी के हाथ में सुल्तानपुर की नगर पालिका रही और जनता को मूलभूत सुविधाएं सड़क बिजली पानी से वंचित रखने वाले भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से जनता बहुत बुरी तरह त्रस्त है। जनता परिवर्तन करने जा रही, मैं लोगों से मिल रहा हूँ, उनकी आंखों में परिवर्तन की एक चमक दिखाई पड़ रही है और वो निश्चित रूप से इस बार परिवर्तन करने जा रहे हैं। चुनाव जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस बनाम बीजेपी नहीं है, जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी है और इस चुनाव में जनता जीत रही है। मैं जीवन भर मुख्यमंत्री जी का शुक्रगुजार रहूंगा जो उन्होंने सुल्तानपुर में कार्यक्रम किया, उन्होंने कार्यक्रम किया और जनता के सामने भाजपा के उन विकास के दावों की पोल खोल दी जो दशकों से भारतीय जनता पार्टी दावा करती थी कि हमने विकास किया। मुख्यमंत्री जी आए, उनको जब यहाँ के स्थानीय मुद्दों पर बात करनी चाहिए थी, नगर पालिका की समस्याओं पर बात करनी चाहिए थी, सड़क बिजली पानी की बात करनी चाहिए थी, छुट्टा जानवरों की बात करनी चाहिए थी, तो वो बात करके गए एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट की। नगर पालिका क्षेत्र को एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट नहीं चाहिए, नगर पालिका क्षेत्र को सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, छुट्टा जानवरों से छुटकारा चाहिए, भ्रष्टाचार से मुक्ति चाहिए। मुख्यमंत्री जी इन बातों को न बोलकर एक इंजन, दो इंजन, तीन इंजन, चार इंजन, मुख्यमंत्री जी को शायद पता नहीं, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, सांसद भारतीय जनता पार्टी का, विधायक भारतीय जनता पार्टी का, जिला पंचायत अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, नगर पालिका का अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का, और आज भी इंजन जोड़ने की बात करते हैं तो निश्चित रूप से इंजन तो जुड़ेगा लेकिन उसमें डिब्बे गायब रहेंगे, सवारियां नहीं रहेंगी, जनता नहीं रहेगी। भारतीय जनता पार्टी अपनी जेब भरना चाहती है, ये शहर की जनता समझ गई। अच्छा किया मुख्यमंत्री जी यहां आए। वो भारतीय जनता पार्टी समय जबरदस्त अंतरकला से जूझ रही है और कांग्रेस देखिए, कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। हमारा बूथ अध्यक्ष से लेकर हमारे जिले के प्रभारी से लेकर जिला अध्यक्ष तक, शहर अध्यक्ष तक, आज हम मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं। जिस कांग्रेस को लोग अंडर एस्टिमेट करते थे, आज वो खुद ये बात कह रहे हैं कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है, जनता ने परिवर्तन का मूड बना लिया, परिवर्तन होने जा रहा। आपकी लड़ाई तो धन बल और विभिन्न प्रकार के एक संसाधनों से युक्त ऐसे लोग हैं, उनसे आपकी लड़ाई है, तो सुल्तानपुर की गलियों में आप जब घूमते हैं तो उसमें आपके मन में ऐसा कुछ निगेटिव थॉट्स नहीं आते कि हम चुनाव में यहाँ स्थिति अपनी देख रहे हैं? देखिए, अगर वरुण मिश्रा चुनाव लड़ रहे होते तो कब के घर बैठ चुके होते। इस बार चुनाव जनता लड़ रही है, मैं नहीं लड़ रहा हूँ। ये चुनाव शहर के एक एक घर का एक एक आदमी वरुण बनकर लड़ रहा, ये चुनाव वरुण मिश्रा अकेले नहीं लड़ रहा, ये सुल्तानपुर की जनता लड़ रही। मैंने पहले कहा जनता बनाम भारतीय जनता पार्टी का चुनाव, मूलभूत सुविधाएं देने का चुनाव है, सड़क बिजली और पानी का चुनाव है और जनता ने ये तय कर लिया है इस बार जनता चुनाव लड़ रही है। कोई धनबल, कोई जन बाहुबल इसके आगे नहीं आएगा। ये चुनाव धनबल बनाम जनबल का है और जन जीत रहा है, जनता जीत रही है। मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि आप इस समय चुनावी संघर्ष कर रहे हैं तो आपकी पार्टी किस स्तर पे आप उससे उम्मीद कर रहे हैं और क्या मिल रहा है आपको? देखिए, मैं अपने नेतृत्व का बहुत शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने सबसे कम उम्र के, देश की सबसे पुरानी पार्टी ने सबसे कम उम्र के नौजवान को पर भरोसा जताया, उसको टिकट दिया, मुझे चुनाव लड़ने का अवसर दिया। मैं अपनी पार्टी का जीवन भर कृतज्ञ रहूंगा। दूसरी बात जिले के मेरे संगठन की, मैं संगठन का भी आजीवन ऋणी रहूंगा। संगठन का एक एक कार्यकर्ता जिस शिद्दत के साथ मुझे चुनाव लड़ा रहा है, मैं आजीवन अपने संगठन का ऋणी रहूंगा, इनके कंधे से कंधा मिलाकर चलता रहूंगा। मुझसे जो पन पड़ेगा मैं अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए करता हूं।